क्या पढ़ाई हुआ है? बीटेक हम मैकेनिकल इंजीनियर से। डिजाइनिंग का नॉलेज, डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं? कोर्स कर रहा था ऑटोकैड के बारे में जी, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क दोनों। काम किया है पहले किधर? जी क्वालिटी में काम किया था पुणे में। क्वालिटी किधर? पुणे। पुणे में कौन सा कंपनी? पहले एक फर्स्ट कंपनी एक्यूरेट थी, एक्यूरेट जो है एक्यूरेट सेल्स एंड सर्विस था चाकना में। वहाँ पे उसका थर्ड पार्टी के रोल में काम करता था, इंश्योरेंस में। नहीं, चाकन में ना। हाँ। और दूसरी पत्री जो था वो मुसरी में जो है। मुसरी में? मुसरी में कौन सा कंपनी? पत्री इंजीनियर। पत्री इंजीनियर। अच्छा, क्वालिटी में काम किया है जी। अभी क्या क्वालिटी में काम करना चाहते हैं क्या? डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग? डिजाइनिंग में सोच करना। डिजाइनिंग का जी। तो डिजाइनिंग के लिए ड्राइंग वगैरह जी कर सकते हो जी। चाकन में कौन से लोकेशन में कर रहे थे? इंश्योरेंस जो है MIDC। MIDC अभी चाकन में खराब वाड़ी या नानेकर वाड़ी? नानेकर वाड़ी में था। नानेकर वाड़ी। नानेकर वाड़ी में। अच्छा, तो नानेकर वाड़ी में ही अपना बजाज का प्लांट अभी नया चालू हुआ है मर्चेडिस के सामने। हाँ हाँ, वो जान देखा। जानते हैं ना। हाँ, तो बजाज का ही पार्ट बनता था इंश्योरेंस में, जो बजाज का वो क्रैंकेज होता है 150 cc का जो पल्सर का था। हाँ। तो वहाँ पे इंश्योरेंस में उसका पार्ट क्रैंकेज बनता था, बजाज का ही पार्ट था वो। अच्छा, तो बजाज में ही अपने को डिजाइनर देने हैं जी सर। तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा, उधर से लेंगे। मेरे को डिजाइनिंग के बारे में मेरे को खुद को ये नहीं है ज़्यादा, तो कंपनी से डायरेक्ट अप्लाई अपना इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब कंपनी डायरेक्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू हो टेलीफोनिक। अच्छा, टेलीफोन ठीक है। तो लेकिन पुणे के लिए तुम काम करने को रेडी है? जी जी। पुणे कैसा, पुणे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इन्वायरमेंटल मौसम वगैरह बहुत अच्छा है सर। तो ये भी अभी बजट के इसमें रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग बेस पर आपको करना पड़ेगा 1-1.5 साल। मतलब संकल्प, द संकल्प ग्रुप करके उसमें 1-1.5 साल करना पड़ेगा जी। वो बिजनेस पार्टनर है उनके, जैसे आप बोले ना, थर्ड पार्टी। हाँ, और उसके बाद बजट के रोल पर अब तो हो जाएगा। तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और छोटा भाई। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? पापा? पापा फार्मर है। फार्मर है। और छोटा भाई यहाँ पे नोएडा में सैमसंग में जॉब करता है। अच्छा। मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा। और स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है? गांव से पढ़े थे। कोई क्रिमिनल केस वगैरह? नो सर। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है? नहीं सर। सैलरी का क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वहाँ पे जो जॉब, मतलब वहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे तो फर्स्ट कंपनी में 15,000 मिलता था और इसमें 25,000 मिलता था। तो कौन सी कंपनी में? 25,000 में। पत्री में और क्वेट में जो मिलता था वो 15,000 देते थे। और क्या नाम है, जो पत्री में था वो 25,000 मिलता था। उसका सैलरी स्लिप है? हाँ। ठीक है, अपने पास बजाज में है और दूसरा भी कंपनी है टॉक्स करके। टॉक्स करके दूसरा पेरंगुटी MIDC में, हिंजौड़ी में MIDC सुना होगा? हाँ, जानता हूँ। हाँ, तो उधर हिंजौड़ी से 3 किलोमीटर आगे पेरंगुटी MIDC है, उधर आप भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन सैलरी का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो डिजाइनिंग में तो हम मतलब प्रेशर प्रेशर है ना। नहीं, डिजाइनिंग में प्रेशर है, ठीक है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, सैलरी का इधर उधर हो जाएगा। लेकिन डिजाइनिंग में आप ड्राइंग वगैरह तो ये? हाँ हाँ, बना उसका तो नॉलेज है। हाँ हाँ, नॉलेज है। ठीक है ना। ठीक है। पुणे में 2018 से। 2018 से। अभी दो, अभी छोड़ कर जनवरी में छोड़ के चला है। अच्छा, वापस पुणे आने में कोई दिक्कत नहीं? वहाँ पे वहीं पे कोर्स करने वाला था, वहीं पे मतलब पढ़ने वाला था, तो फिर वहाँ पर फीस वगैरह ज़्यादा था, अमाउंट वगैरह ज़्यादा था। तो फिर ऐसा देखा था, अच्छा कोचिंग रहता है यहाँ पर, फिर ज्वाइन किया। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 40 कंपनीज है। चापन MIDC में है, पिरंगुटी MIDC में है, हिंजौड़ी MIDC में है, तड़ेगा MIDC में, और भोसरी में भी। अपन 40 कंपनी में बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास काम तो वो होते हैं, मेरे को 4-5 कंपनी में डिजाइनर के ये चाहिए, लेकिन काम करने की आपकी तैयारी चाहिए, नहीं तो 2-3 महीना करने के बाद आप बोलेंगे नहीं करना है, गाँव में जाना है, नहीं ऐसा नहीं। करियर करना है तो अभी डिजाइनिंग का इंटरेस्टेड है तो डिजाइनिंग में ये कर लो, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू।